अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की वीडियो में देखेंगे कि रमज़ान आने वाला है, अभी थोड़े दिनों में भी रमज़ान आने वाला है। तो अभी रमज़ान जो इस्लामी जो कैलेंडर रहता है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा थोड़ा सा मैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे, जैसे कि शाबान का रमज़ान मई 2019 यहाँ पे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे अभी मंडे को चांद रात होगी। इंशाल्लाह यहाँ पे 6 चांद रात होगी, अभी चांद रात 6 तारीख और 7 तारीख से पहला रोज़ा यहाँ पे आएगा। तो रमज़ान का पहला दिन यहाँ पे इंग्लिश तारीख के हिसाब से ट्यूसडे को आ रहा है, 7 तारीख को। जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रमज़ान 1 है, रमज़ान 2, रमज़ान 3, रमज़ान 4, रमज़ान 5। यहाँ पे उर्दू तारीख में भी दिया है और यहाँ पे इंग्लिश तारीख के अंदर भी दिया है यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर। तो अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह 7 तारीख से। तो सब लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पे रमज़ान आने वाला है। जितने आपको गुनाह है, जितने भी अपने गुनाह की सबके यहाँ पे मगफिरत, यहाँ पे तौबा मांगो, दुआ मांगो, कुरान पढ़ो, यहाँ पे जितना हो सके यहाँ पे तिलावत करो इस महीने के अंदर। बहुत ही पाक वाला रमज़ान, बहुत ही अहम वाला महीना है यहाँ पे। तो जितना हो सके इस महीने के अंदर वजीफा करो। जैसे यहाँ पे देखिए 7 तारीख इंशाल्लाह रमज़ान चालू होगा। चांद के हिसाब से अगर चांद रात मंडे को होती है 6 तारीख को, तो 7 तारीख से पहला रोज़ा हमारा होगा इंशाल्लाह। तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखा रमज़ान 6 तारीख, रमज़ान 7 तारीख यहाँ पे दिया है, उरूज अश्मेर पीर हस्तगीर उरूज यहाँ पे दिया है। रमज़ान हर एक तारीख का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिया है यहाँ पे। रमज़ान के बारे में बस अदरस आयशा रमज़ान तारीख 17वें रमज़ान को, 18वें रमज़ान को, 21 रमज़ान 21वां रमज़ान, फिर फतेह मक्का 20 रमज़ान की 20 तारीख को फतेह मक्का हुआ था। तो ये सब जो हदीस है, ये महीने के अंदर आपको जितने भी तिलावत करने, गुनाह की मगफिरत मांगनी, तौबा करनी, तो इस महीने के अंदर मांग सकते। ये महीना बहुत ही अच्छा वाला महीना है, पाक महीना है। इस महीने में बहुत सारे गुनाह अगर आपने किए रहेंगे तो उसके लिए माफ़ी मांगिए और सबके लिए दुआ कीजिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, बूढ़े जवान दोस्त लोग के लिए, जो भी बीमार है सब लोग सबके लिए, सबकी दुआएं आपने कबूल हो जाए इस महीने के अंदर। तो इंशाल्लाह मतलब 7 तारीख को इंशाल्लाह मई के 7 मई को इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होगा और 5 जून को इंशाल्लाह ईद उल फितर होगी, यहाँ पे ईद रहेगी। 5 तारीख को, 5 जून को रमज़ान शावल का जो महीना रहेगा उसके अंदर यहाँ पे ईद उल फितर का जो 5 तारीख आ रही है, 5 जून यहाँ पे आ रहा है वेडनेसडे इंग्लिश तारीख के हिसाब से, उस दिन को इंशाल्लाह ईद उल फितर रहेगा। अभी कंफर्म नहीं, यहाँ पे ईद उल फितर इंशाल्लाह 5 तारीख को रहेगा या 4 तारीख को, ज़्यादा कोई बोल नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे इंशाल्लाह कैसा रहेगा वैसा इसके अकॉर्डिंग। तो ये था इस्लामिक कैलेंडर का मई का और जून का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपके रिलेटिव के साथ में शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह सबकी दुआ कबूल करेंगे अल्लाह ताला, आमीन।